पंचौकी पर हमला सागर जिले के रहली क्षेत्र के नोरादेही अभ्यारण्य में लंबे समय में दमोह जिले के वन माफियाओं का राज चल रहा है। वन विभाग की चौकसी और दबिश के कारण वन माफियाओं के इरादे सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे नाराज वन माफिया अब वन कर्मियों पर प्राणघातक हमला करने पर आमादा है। बीती रात नोरादेही अभ्यारण्य अंतर्गत आंखीखेड़ा बीट में स्थित वन चौकी पर लगभग 8 अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों के द्वारा हवाई फायरिंग करते हुए चौकी के अंदर घुसकर वहां मौजूद वन कर्मियों से मारपीट कर चौकी में तोड़फोड़ एवं शासकीय राइफल, 5 जिंदा कारतूस और नकदी लूटकर फरार हो गए। अज्ञात बदमाश वन कर्मियों से उनके ऊपर पूर्व में की गई कार्यवाही से खफा हैं और बदले में हमलावर हो रहे हैं। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सागर एसपी अमित संघी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया एवं अज्ञात आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। आरोपी दमोह जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस द्वारा शिनाख्त की जा चुकी है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। आंखीखेड़ा वन विभाग की एक चौकी है जो वनों की रक्षा के लिए वहाँ पर बनी हुई है। वहाँ पर फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड वगैरह रहते हैं। वन विभाग के द्वारा शासन के द्वारा प्रदाय वन विभाग को 12 बोर की बंदूक भी वहाँ रहती है, जो वन अपराध को रोकने के लिए काम करते हैं। कल रात को 12:30 बजे कुछ अज्ञात लोग वाहन से आए एवं उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग कर वन विभाग की जो शासकीय राइफल थी, 12 बोर की बंदूक थी, उसको ले गए हैं। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए हैं। आंखीखेड़ा में रात करीब 12 बजे एक घटना हुई है। 7-8 लोग मुंह पर कपड़ा बांध के आए और उन्होंने जो अपना आवासीय परिसर है उसमें दरवाज़ा खटखटाया, तो फॉरेस्ट गार्ड ने समझ गए कि हम लोग रात में गश्त में जाते हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने मारपीट का गले शुरू की है और शुरू करने के बाद में फिर उन्होंने फायरिंग भी शुरू की है। तो फायरिंग से वो दीवार में गोली के निशान आए हैं और इस बीच में उन्होंने चिल्लाया कि भाई आप बहुत लकड़ी पकड़ते हो हमारी, अब आप लोगों को हम सबको जान से मारेंगे, और ये कहते हुए उन्होंने लड़ाई झगड़ा मतलब शुरू किया। तो फॉरेस्ट गार्ड था साथ में, एक डिप्टी रेंजर फॉरेस्टर थे और एक चौकीदार थे राम सिंह। तो ये तीनों लोग फिर वहाँ से भगे, ये 7-8 लोग थे, ये भग गए। तो भगने के बाद में इन्होंने एक कमरे में ताला लगा था, ताले का तो को तोड़ के इनका सामान इधर उधर किया और सामान के साथ साथ में इनके जो नकदी थी, जो भी पैसा था, वो निकाल ले गए। उसके साथ साथ में शासकीय बंदूक एक थी उनके पास में, कारतूस थे, वो उठा कर ले गए। ऐसा पता लगा कि ओमनी कार से थे वो, और ओमनी कार को फिर हिनोती साइड में वो लेके गए। तो हम लोगों ने वहाँ नाकेबंदी की, पुलिस से का बहुत अच्छा सहयोग रहा। तत्काल ये लोग वले का जो स्टाफ था और यहाँ के जो प्रभारी TI थे वो हमारे रेंज अफसर के साथ में गए मौके पर, लेकिन अभी उनको पता नहीं लगा। लेकिन हालांकि सुराग लगा है कि वो दमोह ज़िले में ही है और रत्नेश नाम का कोई एक आरोपी है उसमें, जो पूर्व में भी किसी अपराध में पकड़ा गया था और फरारी में है आजकल। तो 2-3 लोगों का नाम आए हैं। इन लोगों ने इससे पहले भी 2-3 दिन पहले सर्रा रेंज में भी एक ऐसी घटना की थी, तो वहाँ एक ग्राम सेवक ने इनको रोका रखी की, तो उस ग्राम सेवक को भी इन्होंने मारपीट की। उसने फिर इसमें तारादेह थाने में रिपोर्ट की है इनके विरुद्ध में। ओमनी कार है, उसका नंबर जो नंबर प्लेट है वो स्पष्ट तो है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है वो वाला, तो ये शायद फर्जी प्लेट के नाम से इन लोगों ने किया है। पुलिस की तहकीकात जारी है। आज SP और ASP दोनों गए थे, तो लेटर सी देख क्या होता है, देखते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।